मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने एक मुलाकात में साफ तौर से स्वीकारा, सिंधिया जी ने कांग्रेस किस वजह से छोड़ी। यही नहीं, उनका कहना था जिस तरीके से जल जीवन मिशन का काम उठाया गया है, ये एक बड़ा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से निकट भविष्य में कोई भी महिला आपको डब्बा और घड़े लेकर सड़क पर नजर नहीं आएगी, हम सबके घर में पानी पहुंचा देंगे। देखिए एक मुलाकात में उन्होंने क्या पूछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पीएचई मिनिस्टर ब्रजेंद्र सिंह जी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में थे, उसी कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए थे। किस तरीके से प्रधानमंत्री का रीवा दौरा आप देखते हैं? आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का रीवा जो कार्यक्रम था, तो मैं तो ये कहूँगा कि रीवा नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देश में जहाँ भी होता है, जब वो जहाँ भी जाते हैं तो नई नई सौगातें लेकर आते हैं, नई नई सौगात उस क्षेत्र के लिए देते हैं। और आज पंचायती राज दिवस था, तो चूँकि जो पंचायतों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, वो एक हम कहें कि अगर विकास की जो शुरुआत होती है ना, वो पंचायत से ही शुरुआत होती है और पंचायत पर ही आकर समाप्त होती है। जब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो इसी तरह जब हम गांव की तरफ मुड़ेंगे, गांव की तरफ देखेंगे, जो आज हम बात करें, इसके पहले भी प्रधानमंत्री रहे, पहले भी सरकारें बनी, पर जितना ध्यान माननीय मोदी जी का गांव की तरफ है, गरीब की तरफ है, महिलाओं की तरफ है, युवाओं की तरफ है, इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतना ध्यान नहीं दिया देश के लोगों के प्रति। ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने, चाहे वह आयुष्मान हो या प्रधानमंत्री आवास हो, इस तरीके की ढेर सारी योजनाएं उन्होंने चलाई जो आम लोगों को, सीधे निचले तबके को टच करती थी। आज उन्होंने जल के लिए काफ़ी कुछ किया, ख़ास तौर से अगर इस रीज़न की बात की जाए तो आप उसको कैसे देखते हैं? तो कोई ये बात सही है कि एक प्रधानमंत्री की सोच देखिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उन्होंने कहा कि देश के हर गरीब का पक्का मकान होना चाहिए। उसी सोच के अनुरूप एक, मैं कहता हूँ कि जो बात हम किसी ने भी नहीं सोची होगी कि इतनी बड़ी योजना जल जीवन मिशन के तहत 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये घोषणा की कि हम 2024 तक देश के हर एक गांव में, हर एक घर में शुद्ध पेयजल नल जल योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। पर जैसे ही मैं मंत्री बना, चूँकि इतना बड़ा विभाग कहूँगा और इतनी बड़ी जवाबदारी मिली कि मध्य प्रदेश का शायद कोई गांव हो जहाँ जल जीवन मिशन का, पीएचई विभाग का कोई काम ना चल रहा हो, पर इतनी बड़ी जवाबदारी जब सामने आई तो मन में एक बार तो सोचा, क्योंकि मैं लगातार 3 बार विधायक बना और 3 साल में बना, मैं शायद ऐसा एक विधायक हूँ कि लगातार 3 साल में 3 चुनाव लड़ा और 3 बार विधायक चुना और इतने जल्दी मुझे मंत्री पद का जवाबदारी भी मिली। मुझे क्योंकि जब नई नए पहली बार जवाबदारी मिलती है, और चूँकि मैं कहूँगा अपने आप को इतना एक्सपीरियंस नहीं, क्यों कि पहली बार मैं 9 महीने रहा कुल विधायक, दूसरी बार कुल 15 महीने रहा और इसके बाद तुरंत मंत्री भी बन गया। तो सरकार ने इतनी बड़ी जवाबदारी दी, पार्टी ने इतनी बड़ी जवाबदारी दी, तो मन में पहले तो ये सोचा कि इतनी बड़ी जवाबदारी कैसे निभाऊंगा, पर ऐसा नहीं है, मन में व्यक्ति ठान ले, सोच ले, तो असंभव काम को भी संभव कर सकता है। तो आज जैसे हम मध्य प्रदेश में, मैं हर संभाग में गया हूँ, संभाग वाइज संभाग मैंने मीटिंग रखी, हर जिले वाइज जिले मैंने चर्चा की, कई जिले में देखने भी गया है, योजना देखने गया है, काम देखने गया है कि अच्छा काम चल रहा है। हर सोमवार को हम सप्ताह में एक दिन समीक्षा मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ भोपाल में, हर सप्ते की जानकारी लेता हूं कि कितनी प्रोग्रेस की, हमने कितने कनेक्शन और दिए, हर एक हफ्ते में हमने कितने हज़ार घरों को पानी पहुंचाया, हर हफ्ते हम मीटिंग करते हैं, हर हफ्ते हम जानकारी लेते हैं। तो आज मुझे ये कहती हुई खुशी है कि जब ये जल जीवन योजना नहीं आई थी तो इसके पहले मात्र 13 लाख परिवारों तक पानी पहुँचता था, लेकिन आज
लगभग 60 लाख परिवारों तक। हमारे प्रदेश में लगभग 1,19,00,000 परिवार हैं, जिसमें से लगभग 60 लाख परिवारों तक तो पानी हमने पहुंचा दिया है, जो 2024 तक की योजना है। और मैं ये कह सकता हूं कि 2024 तक लगभग हम 100% प्रदेश के हर गांव में, हर घर में पानी पहुंचा देंगे। हर घर में पानी पहुंच जाएगा। आपका लक्ष्य जो है आपने तय कर रखा है, जिस तरीके से आपकी प्लानिंग है, निश्चित रूप से आप उसके लक्ष्य के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं, जिस तरीके से अभी आपने आंकड़े दिए। बात करते हैं आपके विधानसभा की, मुंगावली के, उसके बारे में। जैसा अभी आपने बताया कि आप 3 चुनाव जल्दी जल्दी लड़े, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। चूँकि पहली हमारे यहाँ कांग्रेस से महंसी कालूखेड़ा जी विधायक थे मुंगावली से, तो उनकी अचानक डेथ हो गई, तो उसके बाद उपचुनाव हुआ वहाँ पर। तब मैं कांग्रेस में था, माननीय सिंधिया जी ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझको आशीर्वाद दिया और पार्टी ने टिकट दिया, तो पहला मैं उपचुनाव लड़ा, तो वो मात्र मैं 2000 वोट से चुनाव जीता था, और वो एक बहुत ही संघर्ष भरा चुनाव था। फिर इसके बाद 9 महीने मैं रहा, इसके बाद आम चुनाव आ गए। 2018 में फरवरी में लड़ा पहला चुनाव, फिर नवंबर में आम चुनाव आ गए, मात्र 9 महीने ही मैं रह पाया। इसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर आम चुनाव लड़ा, तब मैं मात्र 2100 वोट से जीता। इसके बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, और आप सब भी भली भांति जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वो केवल सिंधिया जी के नाम पर बनी थी, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक नारा था कि अब की बार सिंधिया सरकार। तो लोगों ने युवा चेहरा देखा, ईमानदार देखा, होनहार देखा, काम करने वाला एक ऐसा चेहरा लोगों ने देखा कि अगर ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो प्रदेश का भला होगा। परंतु आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने, कुछ लोगों ने अनदेखी करके और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, पार्टी का निर्णय था, बना दिया, पर इसके बाद महाराज के साथ अनदेखी की गई। महाराज ने जो बात रखी, कई बार जो वादे किए थे सरकार ने, तो महाराज ने कहा कि अगर हमारी सरकार ने जो वादे किए, पहला वादा, सबसे बड़ा जो वादा किया था और जिसके नाम पर सरकार बनी थी, किसानों का कर्ज माफ की बात हुई थी, कि हम जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो माननीय राहुल जी ने ये घोषणा की, राहुल गांधी जी ने, कि हम 10 दिन के अंदर किसान का 2,00,000 का कर्जा माफ करेंगे, और अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल लेंगे। पर वो 11 दिन भी गए, 11 महीने भी चले गए, 15 महीने तक ना तो कर्जा माफ हुआ और ना मुख्यमंत्री बदला। युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया तो 4,000 रुपये उनको बैठे बैठे भत्ता देंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जो घोषणाएं की थी, जिसको वचन पत्र नाम दिया था, पर एक भी वचन कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। तो तब महाराज क्षेत्र में जाते तो लोग कहते कि महाराज आपकी सरकार ने जो वादा किया था वो वादा अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। तो महाराज ने कहा कि मैं आपके साथ सड़कों पर उतर जाऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन आपके साथ खड़ा हूं, जो वादा किया हम वो पूरा करेंगे। पर माननीय हमारे सिंधिया जी ने कमलनाथ जी से कहा कि भाई अपन ने जो वादा किया है वो पूरा, तो एक जगह माननीय सिंधिया जी ने कह दिया कि अगर, जहां लोगों ने मांग रखी, अतिथि शिक्षक थे उनको, अतिथि शिक्षकों को शिक्षक बनाना था, ये उसमें घोषणा पत्र में था, पर जैसे ही सिंधिया जी से कहा उन्होंने, तो सिंधिया जी ने कहा कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो मैं आपके साथ सड़कों पर उतर जाऊंगा। तो मीडिया ने कमलनाथ जी से पूछ लिया कि भाई सिंधिया जी तो ऐसे ही कह रहे हैं कि वो उनके साथ आपके खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे, तो उन्होंने कह दिया कि अगर उतरना तो उतर जाएं सड़कों पर। ये कोई बात थोड़ी होती है जिसके नाम पर प्रदेश में सरकार बनी और आप उस व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी जनता का मजाक है। फिर तो अगर वो कह रहे हैं मैं जनता के साथ आपके साथ खड़ा हूं, तो ये तो जनता का भी मजाक कर रहे हैं आप। तो माननीय सिंधिया जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कमलनाथ जी से पूछा, तो कमलनाथ जी ने कह दिया कि उतरना तो उतर जाए सड़कों पर। तो हम लोगों ने भी कहा कि सिंधिया जी से कि महाराज ऐसा नहीं होता, कहाँ तक अपमान सहेंगे आप इस पार्टी में, भाई आपके नाम पर सरकार बनी, आपके नाम पर पार्टी जिंदा है मध्य प्रदेश में, और आपके साथ ऐसी आलोचना, ऐसी बातें की जा रही है सरकार के द्वारा। महाराज अपन इससे तो ये पार्टी छोड़ दें, सरकार ही छोड़ दो तो अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं, अपन सड़कों पर नहीं उतरेंगे,
आप चिंता मत करो, अपनी सरकार को ही सड़कों पर खड़ा कर देंगे। और आपने सरकार तो आपने सड़क में ख़त्म कर दी, सरकार आपकी बन गई एक बार दोबारा, आप मंत्री भी बन गए। हम वापस यहीं पर आते हैं जहां से आज हम चाहते हैं। एक बड़ी जल योजना आपने इस क्षेत्र में दी है, मॉनिटरिंग करने के लिए क्या ये माना जाए कि रीवा में आप बहुत जल्द दिखाई देंगे? बिल्कुल, मैं चूँकि जल्दी से जल्दी दौड़ा बना रहा हूँ और मेरा कार्यक्रम है कि हर ज़िले में जाऊँ मैं, और जाना भी है मुझे हर ज़िले में, क्योंकि काम बहुत सारे चल रहे हैं। लगभग 60,000 करोड़ के हमारे मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहे हैं। क्योंकि काम देखना है, हम ये चाहते हैं कि जब सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है और इतनी बड़ी योजना है, तो एक तो काम गुणवत्ता का होना चाहिए, कहीं भी क्वालिटी से कोई समझौता हम नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, जो भी क्वालिटी का सामान है वो लगना चाहिए, काम गुणवत्ता में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो भी क्वालिटी का सामान है वो लगना चाहिए, काम गुणवत्ता में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि योजना एक ऐसी योजना है जल जीवन मिशन कि आप जानते हैं कि एक सड़क हम बनाते हैं, अगर सड़क में कहीं गड्ढे भी हो जाएंगे ना, तो वो सड़क रुकेगी नहीं, रास्ता रुकेगा नहीं, वाहन चलते रहेंगे। पर अगर जल जीवन मिशन में जो लाइन डाली जाती है गाँव में या बाहर से लाई जाती है, कहीं अगर लाइन टूट जाती है, फूट जाती है, तो निश्चित रूप पूरी योजना ठप हो जाएगी। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहूँगा कि प्रतिदिन हर जिले के कलेक्टर से और पीएचई के अधिकारियों से बात करते हैं, हर हफ्ते वो खुद भी मॉनिटरिंग करते हैं, समीक्षा मीटिंग करते हैं, और उनकी सोच यही है कि गुणवत्ता का काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए और समय सीमा में काम होना चाहिए। तो निश्चित ही मैं पूरे प्रदेश का दौरा करूँगा, हर जिले में भी जाऊँगा, काम भी देखूंगा कि काम में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कोई खराब काम ना हो, अच्छा काम होना चाहिए, समय सीमा पर काम होना चाहिए। तो निश्चित ही मैं हर जिले में मेरा कार्यक्रम बन रहा है और जाऊंगा, और रीवा भी मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा, रीवा में जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। पैसे तो हमने दे दिए, अब हम गुणवत्तापूर्वक काम भी कराएंगे, एक एक नल पे हमारी नजर रहेगी। साथ ही आपने किस तरीके से ये भी बताया कि मैं 3 बार जल्दी जल्दी चुनाव लड़ा, आपने अतीत के उन पन्नों को भी कुरेदा जिसमें सरकार भी बदली थी, तमाम तरीके से बातचीत। अब आपसे मैं अंतिम में ये चाहूँगा, जो आपको इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? और वृद्धाश्रम को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा वृद्धाश्रम बन रहा है जो शायद प्रदेश का पहला होगा इस तरीके से, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल का मैदान, वृद्धाश्रम, तमाम तरीके की वहाँ पर सौगातें। तो आपके बगल में बैठे मुकेश जी, उसके लिए भी कुछ बन। मैं पहले तो मुकेश जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने श्रीमंत माधवराव सिंधिया वृद्धाश्रम के लिए शहर के पास में और कोई ज़मीन दान करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले तो ये बधाई के पात्र हैं, और हमारे माननीय सिंधिया जी ने जिन्होंने वृद्धाश्रम के लिए आकर यहाँ पर ओपनिंग की थी, और उनकी भी सोच यही है कि वृद्ध, अनाथ लोग, आश्रित, बेआश्रित लोग अगर ऐसी जगह रहें, उनकी सेवा हो सरकार के द्वारा या संगठन के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। तो चूंकि मेरी भी इच्छा थी, जब यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो तब मुझे मुकेश श्रीवास्तव जी ने आमंत्रित किया था कि यहाँ पर माननीय हमारे सिंधिया जी आ रहे हैं, और आप भी पता रहे, चूँकि व्यस्तता ज़्यादा थी प्रदेश में और भी कार्यक्रम थे जल जीवन मिशन के, तो मैं नहीं आ पाया था। पर आज मुझे यहाँ रीवा में आने का मौका मिला, और मैंने जहाँ सुना, लोगों से चर्चा की, तो वास्तव में लोगों ने तारीफ की इस बात की कि जो वृद्धाश्रम बना है बहुत ही सराहनीय पहल, बहुत ही अच्छा कार्य है। और चूँकि यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि रीवा के लोगों के लिए आज बहुत बड़ी सौगात मिली है कि जो जल जीवन मिशन की मैं बात करूँगा, यहाँ पर लगभग 800 गांव हमने एकल योजना में लिए थे, वहाँ काम चल रहा है। यहाँ लगभग मुझे जो जानकारी है लगभग 2400 गांव है इस ज़िले के अंदर, बाकी के शेष गांव अब हमने समूह योजना से जोड़े हैं, जो बाण सागर जैसे बड़े बड़े आपके यहाँ तालाब हैं, और बहुत ही अच्छी योजना, और जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगी, मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी अच्छी योजना कि हर घर को पानी मिलना, ये बहुत बड़ी सौगात आज रीवा वासियों के लिए माननीय मोदी जी ने आज दी है। रीवा वासियों को सबसे बड़ी सौगात मिली हर घर पानी, इसका सीधा सा अर्थ है अब आपको सड़क में महिलाएं डब्बा बाल्टी लिए हुए नजर नहीं आएंगी, ये
कुछ इस तरीके से कहना था प्रदेश के सिंचाई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी का। आपने जैसा कहा, मैं बहुत जल्द रीवा आऊँगा। बाकी बातों के लिए हम इनका इंतज़ार करेंगे, जब भी अगली बार आएंगे एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना।